स्पष्टीकरण। सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है, ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ अपने चिकित्सक से परामर्श करें। मेडिकोज लाइफलाइन यूट्यूब चैनल इस जानकारी के लिए दावा नहीं करता। वेलकम एवरीवन फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जिससे आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम है और दिमाग जिसे कमज़ोर हो गया है तो वो प्रॉब्लम आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस नुस्खे से। तो इस नुस्खे से आंखें और दिमाग तेज़ हो जाएगा। कमर दर्द अगर आपको रहता है, थकान रहती है, मोटापा है, खून की कमी है, इसको भी ये दूर करेगा। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही फ़ायदेमंद ये घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आंखों से पानी आता है, ख़ारिश है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगी। आप इस नुस्खे को लगातार लेते हैं तो आपकी बॉडी को ताकत मिलेगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जोड़ों का दर्द आपका ठीक हो जाएगा और कैल्शियम की कमी भी आपकी दूर हो जाएगी। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल आपका ये ठीक करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ये नुस्खा कैसे आपको बनाना है तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 5 से 6 चीज़ों ऐड करना है। आपको ये चीज़ें लेना है, चिरौंजी, बादाम और सूखा नारियल। आपको मखाने लेना है और मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या लेना है और इसको आपको कैसे बनाना है। और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपकी पूरी जानकारी दूंगी कि आपकी बॉडी के लिए किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है। नंबर 1 है अलसी। 2 चम्मच अलसी आपको लेना है। अलसी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी होता है। अलसी के सेवन करने से शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। इससे बॉडी के थक्के नहीं बॉडी में खून के थक्के नहीं जमते और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके अलावा अलसी के सेवन से वज़न कंट्रोल रहता है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, डाइजेशन सिस्टम आपका वीक है, तो अलसी के सेवन करने से मजबूत रहती है। सेकंड है चिरौंजी। आप 1 चम्मच चिरौंजी लें। चिरौंजी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें प्रोटीन पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आप डेली 1 चम्मच चिरौंजी का इस्तेमाल करते हैं, आप इसको खाते हैं, तब आपके बॉडी की हर तरह की कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। इससे मसल्स और हड्डियां मजबूत होती हैं। इसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे आंखों की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, आँखों की कमज़ोरी दूर होती है। थर्ड आपको लेना है बादाम। बादाम ये आपको 10 से 12 लेना है। बादाम भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके इस्तेमाल से यानी कि इसको खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। बादाम से कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना भी कम हो जाती है। बादाम में विटामिन सी होता है, इसलिए ये आँखों और दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए इसमें प्रोटीन और कैल्शियम होने से बादाम में जोड़ों के दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। फोर्थ आपको लेना है सूखा नारियल। यह आपको 2 चम्मच लेना है। नारियल दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें फाइबर होता है, इसलिए नारियल वज़न को कंट्रोल करता है। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है, आपको भूलने की प्रॉब्लम है, तो आप सूखे नारियल का सेवन ज़रूर करें क्योंकि ये दिमाग को तेज़ करता है। नारियल में आयरन भरपूर मात्रा में होता है जिससे खून की कमी भी पूरी होती है। सूखे नारियल का इस्तेमाल करने से जोड़ों का दर्द और गठिया को का जो दर्द होता है उस प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट चीज़ आपको लेना है मखाने।
आपको एक मुट्ठी मखाना लेना है। मखाने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए मखानों को कैल्शियम का खजाना कहा जाता है। इससे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द ठीक होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल और शुगर कंट्रोल रहता है। मखाने दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसकी सेवन से तनाव और नींद ना आने की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। नेक्स्ट चीज़ है 2 चम्मच मिश्री। अगर आप डायबिटिक हैं तो स्किप करें। इन सब चीज़ों को आप पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए और आप इस पाउडर का सेवन रात में दूध के साथ करें। इससे बॉडी की सारी कमजोरी आपकी दूर हो जाएगी, जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और बॉडी में एनर्जी आएगी। ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक बार इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें आप। ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपकी आंखों और दिल की मजबूती के लिए। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो और दिल में कमज़ोरी है तो आप इसका इस्तेमाल नुस्खे का ज़रूर करें। और वैसे भी ये घरेलू नुस्खा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और हम आपको नंबर दे रहे हैं तो इस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल